तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल से ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल को एडिट कर सकते हो, उसमें डेटा एंट्री कर सकते हो, उसे सेव कर सकते हो, उसे किसी के साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक्सेल टाइप कर लेना है सर्च में। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऐप आपको ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये अप्रॉक्स 66 MB का है। तो दोस्तों, अपने मोबाइल में एक्सेल ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको साइन इन और साइन अप के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हो, और नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर इंटर करके क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको साइन इन लेटर का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर मैं बाद में साइन इन करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर टैप कर देना है और यहाँ पर आपको डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा पर टैप करके क्लोज़ कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों, साइन इन करते हो तो उसका एक एडवांटेज है, आप जो भी काम करोगे, वर्कशीट क्रिएट करोगे, वो आपका वन ड्राइव पे सिंक हो जाएगा और बाद में आप उसे किसी भी डिवाइस में कभी भी अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को साइन इन करके देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है, रिसेंट, शेयर्ड और ओपन। तो यहाँ पे आप जो भी रिसेंट फाइल पे काम करोगे, यहाँ पे आपको लिस्ट वाइज मिलते जाएगा, और जो भी आप किसी के साथ शेयर करोगे फाइल, यहाँ पे आपको शेयर वाले लिस्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको नया फाइल क्रिएट करने के लिए इस प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना है जो टॉप राइट कॉर्नर में है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग टेम्पलेट मिल जाता है, मीन्स वर्कबुक, जिसमें आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसे सेटिंग में जाके परमिशन देना होगा। तो गो टू सेटिंग और यहाँ पर मैं परमिशन दे देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी मेरा ये पोर्ट्रेट में है। अगर आपको इसे लैंडस्केप में यूज़ करना हुआ तो यहाँ पे सिंपली आपको स्क्रीन रोटेशन ऑफ से ऑन पे टर्न कर देना है। तो अब मैं अगर इसे ऐसे रोटेट करता हूँ तो देख सकते हो मेरा स्प्रेडशीट इस टाइप का आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सेल मोबाइल एप्लीकेशन में भी लैपटॉप की तरह सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मीन्स जितना ऑप्शन आपको लैपटॉप में मिलता है काम करते समय, उतना ही यहाँ पे आपको मोबाइल में भी मिल जाता है। लेकिन चूंकि लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है मोबाइल के कंपैरिजन में, इसलिए वहाँ पे आपको ऑप्शंस इजीली सामने दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक्सेल शीट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने शीट 1 क्रिएट कर लिया। आप चाहो तो और भी शीट यहाँ पे प्लस पे टैप करके क्रिएट कर सकते हो। देख सकते हो शीट 2 आ गया और मैं टैप करता हूँ तो शीट 3 भी क्रिएट हो गया। अगर आपको किसी शीट को डिलीट करना हुआ तो यहाँ पे आप होल्ड करके रखोगे और यहाँ पे आपको डिलीट शीट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो या फिर आपको किसी भी शीट को रीनेम करना हुआ तो यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते हो। रीनेम पे टैप करके आप होल्ड करके रखोगे और यहाँ पे आपको रीनेम करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने शीट का नाम माई डेटा रख दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको गॉट इट पे टैप कर देना है। तो लैपटॉप में जो भी आपका मेन्यू होता है वो टॉप में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे आपको मेन्यू जैसे कि होम, इंसर्ट, फॉर्मूला, डेटा, इन सब का जो मेन्यू होगा वो यहाँ पे आपको टैप करने पे मिलेगा। आपको इस पे टैप करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एग्जिस्टिंग में मेरा होम पे है। अगर यहाँ पे मैं इस पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इंसर्ट, ड्रॉ, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मान लो कोई डेटा एंट्री करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सेम लैपटॉप जैसा ही रो और कॉलम मिल जाता है। जितना आपको लैपटॉप में मिलता है उतना यहाँ पे आपको इसमें भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना कुछ भी हेडिंग दे देता हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया और मैं दूसरे कॉलम में एज लिख देता हूँ और यहाँ पे आपको इस टिक पे टैप कर देना है। और अगर मुझे यहाँ पे कलर फिल करना हुआ तो यहाँ पे मैं दोनों सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं कलर भी फिल कर सकता हूँ। मैंने इसमें पीला कलर फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं डेटा एंट्री स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम। मान लो आपको नाम और एज का डेटा एंट्री करना है, यहाँ पे मैं नाम इंटर कर देता हूँ, अमन। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने नाम और एज का डेटा एंट्री कर दिया है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इन सब डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे इसका सम बता देता है, ये एवरेज काउंट, न्यूमेरिकल काउंट, सब कुछ यहाँ पे मुझे दिखा देता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। और दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको इसे सम करना हुआ और यहाँ पे आप चाहते हो कि इसके नीचे ये सम ऐड होके आ जाए,
यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको होम पे टैप करना है और यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज में चले जाना है। फॉर्मूलाज में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो सम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको सम पे टैप करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो 25, 32 और 43 को जोड़ के मेरा 100 ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। मैंने एग्जांपल के लिए कुछ भी डेटा टाइप करके सम करके आपको दिखाया। अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो इसमें आउटलाइन भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे फिर से इस एरो पे टैप करना है और यहाँ पे मुझे इस बार होम में जाना है और यहाँ पे मुझे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे मुझे बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मुझे अगर डेटा को बोल्ड करना हुआ तो यहाँ पे मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक करना हुआ तो ये कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये सब नहीं करना है, मैं सिर्फ डेटा को बोल्ड करना चाहता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने मोबाइल में एक्सेल शीट पे काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस एरो पे टैप करते हो और यहाँ पे आप इंसर्ट में जाते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि शेप, पिक्चर। तो यहाँ पे मैं अगर कोई पिक्चर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे पिक्चर्स पे टैप करना है और यहाँ पे मुझे पिक्चर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। या तो मैं पिक्चर गैलरी से ऐड करूँगा या फिर मुझे फ़ोटो खींचना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो। जितना ऑप्शन आपको लैपटॉप में मिलता है यहाँ मोबाइल में भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको कोई स्टेप अंडू करना हुआ यहाँ पे आपको अंडू करने का ऑप्शन मिल जाता है। डायरेक्टली आप कुछ भी सर्च कर सकते हो वो एक्सेल शीट में। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो भी वर्क होगा यहाँ पे ऑटो सेव्ड होते जाएगा और यहाँ पे आपको बाद में भी सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप 3 डॉट पे टैप करोगे यहाँ पे आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेव एज PDF का ऑप्शन मिल जाता है, मीन्स जो भी आपने काम किया है उसे आप एज ए PDF पेज में सेव कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेव एज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप किसी और नाम से इस फाइल को सेव करना चाहते हो यहाँ पे वो कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं अगर सेव एज पर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस डिवाइस में वन ड्राइव पे या फिर गूगल ड्राइव पे या फिर किसी भी अदर क्लाउड स्टोरेज में सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे अपने इस डिवाइस में सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे अपने फाइल का नाम दे देना है और यहाँ पे आपको सेव पे टैप करके इसे सेव कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो माय डेटा के नाम से ये फाइल सेव हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो इसे डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेव एज अटैचमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, आपको वन ड्राइव पे भी सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके बना सकते हो और उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो और यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अटैचमेंट शेयर करने के लिए यहाँ पे आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको एज ए वर्कबुक या फिर PDF शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कोई रिपोर्ट बना के शेयर करना हुआ तो यहाँ पे आप इजीली इस तरह से शेयर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इस पर टैप करते हो तो यहाँ पे मैं एक्सेल फाइल को शेयर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मान लो मुझे जीमेल के थ्रू इसे किसी को भेजना हुआ तो यहाँ पे मेरा जीमेल ओपन हो जाता है और यहाँ पे देख सकते हो मेरा जीमेल पे फाइल भी अटैच हो चुका है। अब मुझे जिसे इस फाइल को भेजना हुआ यहाँ पे मैं टू में उसे ऐड करके भेज सकता हूँ और यहाँ पे आपको मेल भी टाइप कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने मोबाइल से भी एक्सेल फाइल में वर्क कर सकते हो। आप अपने मोबाइल में भी सेम टू सेम काम कर सकते हो जैसा आप लैपटॉप में करते हो, बस यहाँ पे आपको स्क्रीन छोटा मिलता है इसलिए आपको ऑप्शंस यहाँ पे ढूंढने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप एक्सेल चलाना सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल में भी चलाना सीख सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें, अभी के लिए बाय बाय।